ढाई महीने की इनको प्रेगनेंसी थी तो बच्चे की धड़कन नहीं आ रही थी, ये बता रहे। 3-4 अल्ट्रासाउंड करवाए पर फिर भी धड़कन नहीं आई पासरी। जब इन्होंने प्रोफेटिक टावर पे प्रार्थना कराई, अद्भुत रीति से प्रभु ने छुआ और जो धड़कन रुक गई थी वो आनी शुरू हुई और प्रभु ने इस बच्चे को हील किया पासरी। अक्टूबर पासरी 2021 में बहन प्रेग्नेंट हुए, ढाई महीने की इनको प्रेगनेंसी थी तो बच्चे की धड़कन नहीं आ रही थी, ये बता रहे। 3-4 अल्ट्रासाउंड करवाए पर फिर भी धड़कन नहीं आई पासरी। दिसंबर 2021 में जब इन्होंने प्रोफेटिक टावर पे प्रार्थना कराई, अद्भुत रीति से प्रभु ने छुआ और जो धड़कन रुक गई थी वो आनी शुरू हुई और प्रभु ने इस बच्चे को हील किया पासरी। क्या हुआ था? बच्चे की धड़कन रुक गई थी जब पेट के अंदर। हाँ जी, पेट के अंदर। हम प्रार्थना करवाई थी, उसके बाद 3-4 अल्ट्रासाउंड के बाद धड़कन आ गई थी बच्चे की। 3-4 अल्ट्रासाउंड करवाए आपने? हाँ जी। तो एक अल्ट्रासाउंड में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है धड़कन, तीसरे में भी नहीं है। फिर आपने प्रार्थना कराई और जब चौथा अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें इसकी धड़कन वापस आ गई। हाँ जी मम्मा, हालेलुया। पास्टर जी, बहन बता रहे हैं जब ये इनकी डिलीवरी का समय था तो इस बच्चे की सांस बंद हो गई थी। जब डिलीवरी हो गई तो इस बच्चे को 18 दिन तक हॉस्पिटल में रखा गया शीशों के बीच में, फिर भी इसको सांस नहीं आया। ये प्रेयर में बने हुए थे और लगातार प्रेयर टॉवर पे प्रेयर करवा रहे थे। ये बहन बता रहे जैसे प्रेयर करवाई 18 दिन के बाद इस बच्चे को सांस आनी शुरू हो गई। 18 दिन ये बच्चा मशीन में रहा। हाँ जी मम्मा। और उसके बाद जब प्रार्थना कराई उसके 18 दिन बाद इसके अंदर सांस आई। हाँ जी, अब ये बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ जी नॉर्मल। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो।